तो गाइस आप सब देख सकते हैं इधर रहा हम लोग का मुर्गी, सब इतना सारा मुर्गी है कहाँ है बताओ गाइस। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी इधर अपना गांव तरफ आ गए हैं और इधर रहा अपना भाई, हाय बोल दो बटे। हाँ, इसका नाम है अरविंद, अरविंद अरविंद पूर्ति है। और गाइस मैं बता देना चाहूंगा, मेरा भैया लोग भाभी लोग तो अभी परब जगह जा रहे हैं, परब से घूमने का मन नहीं करता, उधर मेरी सिस्टर लोग रेडी हो गई है। तो चलेगा आज मैं आपसे को फिर से उधर जो उधर का गांव उधर फिर से जाएंगे उधर में और उधर का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि उधर में अभी काफ़ी सारा काम धाम है जिसकी वजह से अभी हम इधर में नहीं रह सकते हैं। उधर मेरे सिस्टर लोग सही नहीं है और अभी जाने के रेडी हो गए लोग। और इधर मेरे भैया का बेटा, ये बहुत घुमंकड़ लड़का है, क्या नाम है पाटी तुम्हारा? लाल सिंह सर, मेरे पापा ने नाम दिया इनको। हम लोग का प्यारी सिस्टर मेरे भैया का बेटी है और ये भी मेरे भैया का बेटा है और ये भी, ये लड़की और लड़का, वो बड़ा है ये छोटा है। तो ये भी परब जगह जा रहा है, तो ये लोग जा रहा है, तो हम भी घर में अकेला रह जाएंगे। अभी इधर मेरे भैया भी रेडी हो गए लोग, परब जगह जा रहे हैं लोग और मेरे भाभी अभी रेडी हो रही होगी, तो अभी घर से नहीं निकली है। अब मैं सुनो, मैं तुम भी जाओगे परब? हाँ, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है इसे। तो हम सुना था ना, ये भी जा रहा है, तो हम अकेले बाकी रह जा रहे हैं। मेरा गांव का जब मेला होगा ना उस समय जाएंगे आप सब, आप सभी अगर मेरा गांव का अगर जो भी मेला अगर आना चाहते हैं तो आप कमेंट करना मत भूलेगा। नेक्स्ट मंथ है, अभी मई मंथ चल रहा है, तो जून महीने हम लोग गाँव में मतलब 500 गाँव में होता है इसे। तो परम सिस्टर ये भी अभी जा रही है, अपनी सिस्टर है उधर रहा, भाभी वो भी रेडी हो गई है। ले मर निपाल ले मर जो कोई। तो गाइस ये रहा मेरे भाभी और ये अभी परब जगह जाने के लिए रेडी हो गई है। तो अभी ये लोग को थोड़ा परब त्यौहार अच्छा लगता है, लेकिन मुझको तो थोड़ा सा अभी सबसे दूर रहना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे परब। हे एवरीवन, आज नेक्स्ट डे और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आप सभी को मैं बोल रहा था कल मैं गाँव तरफ वापस जाऊँगा, मैं बोल रहा था बट मैं नहीं जा पाया, तो आज मैं जाऊंगा मम्मी के साथ जाऊंगा। ऐसे तो 1 बजे का बस है उसमें जाएंगे, क्योंकि मम्मी को अकेला कैसे छोड़ देंगे। गाइस मैं बता देना चाहूंगा, ये देख सकते हैं इतना सिर आम और इसको आज मेरी भाभी लोग बिक्री करने ले जाएंगे और देखते हैं। लेकिन गाइस मैं बता देना चाहूंगा, ये जो आम है बहुत ज्यादा मीठा है और खा के आप बोलिएगा वाह क्या ही आम है बोलिएगा। तो इतना सारा है कुछ है इसम, सब पका हुआ है, इसमें कोई भी कच्चा नहीं है, सब पका वाला, सब पका वाला ही आम है। तो आप में से किसी को अगर खाने का मन होना गाइस आप कमेंट करना मत भूलिएगा और आप सभी के लिए मैं जरूर से लेके जाऊंगा और ला भी दूंगा अगर आप चाहे तो। आम कुछ इस तरह का है और बहुत ही प्यारा प्यारा आम दिख रहा है, ज्यादा नहीं 400-500 का बिक्री होगा, 700 आसपास तक का बिक्री हो जाएगा। तो यार गाइस अभी दोपहर हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं पुराना गांव की ओर और इधर मेरे मौसी आई हुई है और कल आई थी ऐसे तो, और मम्मी उधर अभी निकल गई है। तो अभी चलिए अभी बस जगह पहुंचते हैं 500 और वहां से आपसे को दिखाते हैं कौन सा बस में जा रहे हैं और पहुंचने के बाद आप सभी को दिखाएंगे आगे। घर पहुँचने के बाद घर में मेरी सिस्टर रहेगी और वो रहेगी और वो लोग सोमवार को आएगा उधर गाँव तरफ, क्योंकि प्रोग्राम को सक्सेसफुली पार करना तो बनता है। तभी यहाँ से कुछ सामान वामान लेके जा रहे हैं, तो उधर में कुछ आम वगैरह सब उसमें लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया उधर 500 जगह और मेरी मम्मी दोनों वहाँ पर बैठी हुई है जहाँ हम लोग का दुकान है वहाँ पर बैठी हुई है। तो अभी बस का इंतजार कर रहे हैं ऐसे तो, और 10 मिनट बाकी है बस आने के लिए। टाइम ऐसे तो यहाँ पर पहुँचती है 11 बजे, तो देखते हैं अभी वेट करते हैं। और आज थोड़ा सा लोढ़ाई बाज़ार भी घूमना है और वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, वहाँ कुछ सामान वामान खरीदना है, इसके बाद वहाँ से गाड़ी मिलेगा हम लोग को वहाँ तक कुदापुर तक जाने के लिए। तो चलिए आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और सभी आओ गाइस। आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं लोढ़ाई बाजार और चलिए अभी मार्केट करते हैं और ऐसे मेरे चप्पल खरीदना है, कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेना है यहाँ से और दिखाते हैं क्या क्या सब्जी ले रहे हैं यहाँ से। अभी बहुत तेज का धूप है जिसकी वजह से अभी थोड़ा भीड़ कम है और चलिए आस पास का नज़ारा दिखाते हैं गाइस आप सभी को। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर कंची ले रहे हैं, इसको मतलब टोकरी को जैसे टोकरी टोकरी बोलता है और मेरी मम्मी इसको चुन रही है और भी इधर है सूप सब है इधर में। तो
तो गैस अभी यहाँ सब मेरे चप्पल लेंगे, 7 या 8 नंबर दिखाइएगा, सिंगल में दीजिएगा। चप्पल ले रहे मेरा और देखते हैं जी, ये रहा मेरा चप्पल, कितना नंबर है, 7 नंबर का है ये, और काफी परफेक्ट हो गया अभी देखा गया था। और भी देखेंगे दूसरा वाला थोड़ा सा। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर पहुंच गया हूं, और इधर भैया के साथ आए अभी बाइक में, और इधर रहा मेरी मम्मी। और चले गाइस आप सभी को आज का इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, थोड़ा अभी आराम आराम करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं मार्केट घूम घूम के, और बहुत सारा सामान वामान खरीदे हैं गाइस, आप सभी को बताएंगे क्या क्या सामान खरीदे हैं। 8 ये रहा गाइस मेरी मम्मी। तो चले गाइस अभी मेरी भाभी कहाँ चल गई है, तो उसको अभी देख रहे हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और ये वीडियो आप सबको कल देखने को मिल जाएगा, तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। पहुंच गया अपना घर और दिखाएंगे आप सबको आसपास का नज़ारा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और कुछ दिन के बाद हमारा जो कार्यक्रम पहुंचने वाला है सारा कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आप सबको चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना होगा। तो गाइस आप सब देख सकते हैं इधर रहा हम लोग का मुर्गी, सब इतना सारा मुर्गी है कहाँ है बताओ गाइस, और ये सब मेरा भैया पाल कर रखा हुआ सोमनाथ जी, और इनका हाथ से बहुत अच्छा बड़ा होता है। और आप सबको पीछे का कैमरा से आप सबको एक बार दिखाऊंगा तो क्या सीन रहता है, आप सब देख लीजिएगा, पहले का वीडियो में आप सबको मैं दिखाया था, तो और एक बार आप सब देख लीजिएगा रहा मुर्गी सब, और ये सब मेरा भैया पाल के रखा हुआ इतना सारा। तो यार गैस अभी बज रहा रात का 9:30 हो गया, और अभी मैं जस्ट खाना पीना खा लिया हूँ। तो गैस आज मैं उधर गांव से आज इधर मैं गांव आ गया हूँ, जो इधर 1 ग्राम तरफ है। तो गैस आप सभी को इधर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप सभी को अच्छे से देखने को मिल जाएगा, कुछ नया नया सीन आप सभी को दिखाने की कोशिश करते रहूँगा, तो आप सभी चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अभी मेरा सोने का प्लानिंग है, आज मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है, तो आज का ब्लॉग हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप गाइस आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग जरूर से पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियोज आप सभी के लिए मैं डेली लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो नेक्स्ट मिलते हैं जल्द ही वीडियो पर। और एक्चुअली क्या कि इधर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आप सभी को बहुत क्लियर बैकग्राउंड और क्लियर फेस का स्ट्रक्चर आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।